काशी हमेशा से ही दीन दुखियों की शरण स्थली रही है। शिव के त्रिशूल पर बसे इस शहर में आम जनमानस मुक्ति की तलाश में भी पहुंचता है, लेकिन आधुनिकता के दौर में दुनिया के बदलते रंग में काशी भी बदली है। अब लोगों के पास वक्त कम है, रोजगार के अलावा अब लोगों के पास वक्त ही नहीं है, लेकिन काशी में आज भी सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका एकमात्र उद्देश्य जनता जनार्दन की सेवा करना है। वाराणसी में डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ऐसे ही लोगों में से हैं जो दबे कुचले दुर्बल लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। काशी में लोग मोक्ष की तलाश में ही आते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने से ज्यादा पीड़ित लोगों के उद्धार की चिंता करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं डॉक्टर लेनिन रघुवंशी। 1996 में डॉक्टर लेनिन ने जनता के हक की आवाज उठाने के लिए एक संस्था की नींव रखी, और 19 बरस में जो इन्होंने हासिल किया उसकी बदौलत आज लाखों चेहरों पर सुकून और सुरक्षा की मुस्कुराहट है। जन सामान्य के लिए कानूनी और चिकित्सा सुविधा, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा जैसे दर्जनों काम करने वाले डॉक्टर लेनिन उदाहरण है। उन लोगों और सरकारी महकमों के लिए जो मानवता की सेवा का बस ढिंढोरा पीटते हैं। हासिल किसी और को और खुशी किसी दूसरे को मिले, ये बांगी है बनारस में डॉक्टर लेनिन रघुवंशी की। मानवाधिकार जन निगरानी समिति के संस्थापक हैं और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अनवरत कई वर्षों से बिना किसी चाहत के लगे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर लेनिन रघुवंशी है। लेनिन जी, लगातार पिछले कई वर्षों से आप पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, आपके एजेंडे में प्रमुख चीजें क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो वंचित तबका है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, और उसको लेकर के जो बंधुआ मजदूरों को छुड़ाना, उनको जो है पुनर्वासित करना, या जो पुलिस यातना के शिकार लोग हैं और जो महिलाएं जो हिंसा के शिकार हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हम लोगों ने उससे हट करके कानून की तो बात सब लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नियम की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने 200 गांवों में चयनित किया जहाँ मुशहर हैं, बहुत जात के लोग हैं, और उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग लाए। उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए, उनका कम्युनिटी सेंटर बना, कई जगह पे जो है बच्चे हायर एजुकेशन में गए तो उनको हम लोगों ने स्कॉलरशिप दी, अभी लेटेस्ट हम लोगों ने उनके बच्चों को साइकिल दी, और वो लोग अब अपना अपने काम की पैरवी कर रहे हैं, अपने मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है और उनका जो सेल्फ स्टीम क्रिएट हुआ है, जो रेजिलियंस क्रिएट हुआ है, वो जो है बहुत ही काबिल तारीफ है, और ये हम लोगों का सबसे बुनियादी काम है जिस काम को हम लोग सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर लेनिन ने उन 3,000 लोगों को भावनात्मक सहारा दिया है जो संगठित हिंसा और घरेलू हिंसा से पीड़ित थे। 4,000 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने का साहस भी इन्हीं के बूते का था। डॉक्टर लेनिन की इन सेवाओं को देखते हुए 2001 में अमेरिका ने इन्हें अशोक फेलोशिप से नवाजा। 2007 में साउथ कोरिया ने भी डॉक्टर लेनिन को अवार्ड दिया। जर्मन संसद की उपाध्यक्ष क्लोडिया रोथ ने इन्हें संसद के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ये प्रशस्ति पाने वाले डॉक्टर लेनिन दुनिया के चुनिंदा लोगों में से एक हैं। डॉक्टर लेनिन का मानना है कि अवार्डों और सम्मानों के लिए समाज सेवा नहीं की जाती, लेकिन इनसे हौसला जरूर बढ़ता है। आज डॉक्टर लेनिन काशी अपनी समाज सेवा से काशी का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं।